वज़ीर-ए-आज़म से ताजिकिस्तान पार्लियामेंट के ऐवान ज़री के चेयरमैन की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात की मौजूदा नौईयत पर तबादला ख्याल। पार्लिमानी सतह पर तआवुन के हवाले से इत्मीनान का इजहार। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स बाकायदा पार्लिमानी तबादलों को मजबूत करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ताजिकिस्तान अरकान पार्लियामेंट में रवाबित बातचीत की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। शहबाज शरीफ ने आईने ताजिकिस्तान की 30वीं सालगिरह पर चेयरमैन ऐवान ज़री को मुबारकबाद भी पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ताजिक हमनसब क़ाहिर रसूल ज़ादा से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर दो तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम कज़ाख़िस्तान के दारुल हुकूमत अस्ताना रवाना होंगे। शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास में शरीक होंगे। तो आपको आगाह कर रहे हैं, अहम दौरा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर-ए-आज़म से ताजिकिस्तान पार्लियामेंट के ऐवान ज़री के चेयरमैन की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा नौईयत पर तबादला ख्याल सामने आया। पार्लिमानी सतह पर तआवुन के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया गया। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स बाकायदा पार्लिमानी तबादलों को मजबूत करने पर भी इत्तेफाक सामने आया है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान अरकान पार्लियामेंट में रवाबित बातचीत की अहमियत पर जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। शहबाज शरीफ ने आईने ताजिकिस्तान की 30वीं सालगिरह पर चेयरमैन ऐवान ज़री को मुबारकबाद भी दी है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म का ये दो रोज़ा ताजिकिस्तान का दौरा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान पहुँचे थे, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था और सदर की जानिब से भी सदारती महल में भी उनको मदऊ किया गया था। वन ऑन वन उनकी मुलाकात भी हुई थी इमाम रसूल से। और आज वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है क़ाहिर रसूलज़ादा से, ताजिक हमनसब से उनकी मुलाकात हुई है। बामी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया है।